वर्धमान सांस्कृतिक केंद्र में सकल जैन परिवार से आयोजित चातुर्मास महोत्सव के उपलक्ष्य में जो प्रमुख मार्गदर्शक की भूमिका में उपस्थित है वो आचार्य गुरुदेव शिवमुनि जी महाराज सा, इनसे अब हम वार्तालाप करेंगे। चातुर्मास का महत्व आज के परिप्रेक्ष्य में, उपलक्ष्य में क्या है और इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, इसके बारे में आचार्य जी हमें मार्गदर्शन करेंगे। जैन समाज में नहीं, भारत की संस्कृति में चतुर्मास की परंपरा है, पर वैदिक परंपरा, बौद्ध परंपरा दो महीने का चतुर्मास करके पूर्ण कर चली जाती है, परंतु चतुर्मास जैन समाज के सभी संप्रदायों में चतुर्मास चार महीने अषाढ़ पूर्णिमा से लेकर दिवाली के 15 दिन के बाद पूर्ण होता है। चतुर्मास में सब गतिविधियाँ चलती हैं, साधु एक स्थान पर स्थिर होकर, वर्षा काल में जीव उत्पत्ति ज़्यादा हो जाती है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका बैठ करके धर्म ध्यान की साधना करते हैं और आत्मशोधन की प्रक्रिया करते हैं, देश समाज राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्यक्रम होते हैं और शाकाहार का प्रचार प्रसार होता है, धर्म की प्रभावना होती है, ध्यान शिविर लगते हैं, युवकों को प्रेरणा दी जाती है। अभी लगभग 10-12 हज़ार लोगों ने ध्यान शिविर कर चुके हैं और भी आगे ध्यान शिविर करेंगे। चतुर्मास चार महीने में एक स्थान पर बैठकर पूरे जैन समाज को, भारत की आयु विभिन्न लोगों को धर्म की उपदेश दिया जाता है, साधना सिखाई जाती है, संस्कार शिविर लिए जाते हैं, बच्चों के शिविर लिए जाते हैं, युवकों को शिक्षा दी जाती है, तपस्याएँ होती हैं, कर्म मर्म की निद्रा से दूर किया जाता है और अपने आप में एक स्वस्थ परिक्रमा प्रदान की जाती है। पता चला है कि आप 25 साल के बाद पुणे में आए हैं और ये महोत्सव इन्होंने बड़ी मात्रा में, पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ी मात्रा में आयोजित किया है, उसके बारे में थोड़ा अवगत कीजिए। हाँ जी, संघ सकल संघ पुणे के 32 संघों ने मिलकर के ये सकल संघ की रचना की है। वर्धमान सांस्कृतिक भवन के द्वारा 32 संघ के द्वारा कार्यक्रम किए, सभी अध्यक्ष मंत्री युवा शक्ति महिला शक्ति मिलकर के कार्यक्रम कर रही है और हर प्रकार का आयोजन करने में ये सक्षम है, इनके लिए हमारी हार्दिक मंगल भावना। धन्यवाद।